बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, हेडोनिक प्रेफरेंस ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट में आता है। तो डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो प्रोडक्ट होगा, बेसिकली जितने भी जो सेंसरी टेस्ट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, लेकिन इसमें और अच्छे तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं डाटा की, मतलब डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जाता है। देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेट्स, लाइकनेस और डिफरेंस इन सैम्पल। एक जो सैम्पल्स हैं, सैम्पल के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आगे हम इसमें कवर करने वाले हैं। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन पर्पसेस, किसी भी प्रोसेस को अगर हमको स्टैंडर्डाइज करना है तो उसके लिए उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट डेवलप किया गया है, उस अगर वो प्रोडक्ट पैनल मेंबर्स को, एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स को या ट्रेन्ड पैनल मेंबर्स को पसंद आता है तो उसके हिसाब से वो प्रोसेस को भी स्टैंडर्डाइज करते हैं। एंड फ्यू सिलेक्टेड ट्रेन्ड पैनल मेंबर्स इसमें ज़रूरी होते हैं। हेडोनिक प्रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो ये पीपल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें प्रोडक्ट को मेन फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें ट्रेन्ड पैनल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोल रहे हैं। लेकिन हेडोनिक प्रेफरेंस जो होता है वो पीपल ओरिएंटेड, मतलब कि कंज्यूमर बेस्ड होता है। इसमें अफेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है वो कंज्यूमर पे बेस्ड होती है। कंज्यूमर उसको कितना लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है, अलग अलग पैरामीटर को लेके। एंड इनिशियल इम्प्रेशन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगर सपोज किसी कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर को अगर हमने बोला कि ये हमारा कोई एक मैंगो ड्रिंक है जो येलो कलर में है ना, तो इनिशियल इम्प्रेशन मीन्स उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसकी एरोमा, उसको भी वो लेता है, उसको चेक करता है कि उसको वो कितना लाइकिंग है। एंड पर्सनल रिएक्शंस एंड लाइक्स मैटर, यूजुअली मोर पैनल मेंबर्स और कंज्यूमर्स आर responsible for hedonic preference method and sample tested by people visiting a booth in crowded malls.